अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माया भाई, तुम्हारी कोशिश नाकाम हुई। हर बार की तरह तुम इस बार भी हार गई। वैसे प्लानिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारा परिवार नहीं टूट पाया। माया का माया जाल जरूर टूट गया। एक मिनट, तुम्हारी अमानत, एक मुफ्त की सलाह देना चाहते हैं। हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। वो क्या है ना, तुम्हारी और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। हमारे पवित्र जैसे घर की हवा तुम्हारे जहाँ से बिल्कुल अलग। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, हमें अपनी दुनिया में खुश रहने दो। हम शांति से जीना चाहते हैं। ये सब हमारे लायक नहीं है। सुबह होने वाली है, इससे पहले सूरज की तेज रोशनी तुम्हारे काली का नामो निशान मिटा दे। अपने काले बादल लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ यहाँ से। अरे बोलो बोलो सुमनिया, बड़े बड़े शब्द, भारी भारी शब्द बोलो। एक बात याद रखना, इस सावन का महीना है और सावन के महीने में जो काले बादल होते हैं ना, वो सूरज की रोशनी को भी छुपने पे मजबूर कर देते हैं। ये बात याद रखना, समझी? लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? वहीं जाए से होना चाहिए। और इसे कहाँ होना चाहिए? हर बात बोल के बताना जरूरी है क्या? जी हाँ, या तो बता दीजिए या तो हम आपको सामान लेकर जाने नहीं देंगे। ये तो तुम्हें नहीं मिले। हम अपना सामान लेकर ही रहेंगे। इतना जिद्दी होना जरूरी है क्या? इतना अकड़ू होना जरूरी है क्या? मैं अकड़ू? अकड़ू सड़ू गुस्से सब है, सब 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 दीजिए, छोड़िए ना। ले जाइए, सब ले जाइए, ये बैग भी ले जाइए। अपने कमरे से तो निकाल ही दिया हमें, इस गेस्ट रूम से भी निकाल दीजिए। आपका क्या है? कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? अरे बताइए तो कहाँ ले जा रहे हैं, जवाब दीजिए अंशुमन जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुमन, तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे दो, मुझे कबूल है, लेकिन मेरी आंखों के सामने से तुम्हारा ओझल होना मुझे मंजूर नहीं। I'm sorry, सुमन। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए I'm really sorry। Sare 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 s
जब पता है कि ऐसे हमारा दिल दुखेगा तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? मुझे माफ कर दो। अब क्या सॉरी से ही पेट भरेंगे हमारा? जब से नाराज हुए एक निवाला तक मुंह में नहीं लिया हमने, बहुत भूख लग रही है। एक चीज दिखाऊं? हंसोगी तो नहीं? आओ चलो। अंशुमन जी, पर ये खाना कब बना? हमने तो नहीं बनाया। मैंने बनाया है, ऑनलाइन देखकर। बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में, बड़ा ही मुश्किल काम है यार। तुम ये खाना रोज कैसे बना लेती हो? अपनों के लिए बनाते हैं ना, बड़े प्यार से, तो मुश्किल नहीं लगता। थैंक यू सो मच अंशुमन जी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, खाना खाते हैं। बताओ कैसा लगा? मजाक कर रहे हैं, बहुत टेस्टी बना है। सच? बिल्कुल आपके और हमारे प्यार की तरह, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। अब लाइए हम आपको खिलाएंगे। Not bad. अंशुमन जी, कल वो डॉक्टर आशुतोष नंदिनी के लिए गवाही दे दे, फिर नंदिनी के ऊपर से सारे केसेस हट जाएंगे और वो आजाद हो जाएगी। अब जब मिसेस सुमन अंशुमन झा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो फिर तो ये होकर ही रहेगा। इंस्पेक्टर सर, अंशुमन जी, ये है डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी और यही नंदिनी के लिए गवाही भी देंगे। घबराइए मत, आपकी बहन को कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप सच में बहुत ही भले इंसान हैं। डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी जी, हम आपकी गवाही रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, बैठिए। रिकॉर्डर लगाओ। मैं डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी, मैं उस दिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर नंदिनी के साथ ही था। वो सच में बेहद ही काबिल डॉक्टर है, लेकिन उस दिन वो मुझे थोड़ा हड़बड़ाहट में लग रही थी, बल्कि मुझे तो थोड़ा शक भी हुआ कि उन्होंने ड्रिंक ले रखी थी। ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये सच नहीं है। बहन के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो डॉक्टर, अगर हिम्मत है तो सच बोलो। अंशुमन जी छोड़िए उन्हें। अंशुमन जी, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, अगर और कुछ कहना था तो आप पहले बता देते, ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। अंशुमन झा, कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर सर, वी आर सॉरी। अंशुमन जी चलिए हमारे साथ प्लीज। अंशुमन जी, डॉक्टर आशुतोष। अरे पकड़िए इन्हें। बोलो अंदर पुलिस के सामने तुमने झूठ क्यों बोला? बोलो। बताइए डॉक्टर, आप जानते हैं आपकी गवाही की वजह से डॉक्टर नंदिनी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। चलिए अंदर चलकर पुलिस स्टेशन में सारी सच्चाई बताइए, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। बोलो डॉक्टर, बोल तो, वरना। नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मजबूर था। उन्होंने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया था और वो उन्हें मारने की धमकी दे रहे थे। अब आप ही बताइए मैं क्या करता। ये देखिए आप, मेरा यकीन मानिए, मैं यहाँ सच बयान देने आया था, लेकिन पुलिस स्टेशन में एंटर करने से पहले ही मुझे ये मैसेज आया। इसलिए आप मजबूर हो गए, वो बोलने के लिए जैसा वो चाहते हैं। ठीक है, आप जाइए। अंशुमन जी, माया,
माया इतना घटिया खेल खेल सकती है? अरे नंदनी जरा फोन तो लगा, कहाँ रह गए दोनों? अब तो इंतजार भी नहीं होता है। हाँ दादी। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे जल्दी खुशखबरी सुनाओ, हमारे तो कान तरस गए। अरे जो बात कोई नहीं कर पाया वो सुमन बिटिया ने कर दिया। वाह 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 जय बात। अरे लाओ लाओ जल्दी, हम तो इसकी आरती उतारेंगे। सुमन देवी की जय। अरे जय बात। सुमन, डॉक्टर आशुतोष ने दे दी ना गवाही, पुलिस ने मेरा केस बंद कर दिया ना। बोलो ना सुमन भाई, अब मैं अमेरिका वापस जा सकती हूँ ना? सुमन मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत बिहेव किया है, लेकिन आज ये केस बंद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू सो मच नंदनी। केस बंद नहीं हुआ है, बल्कि केस तो और बिगड़ गया है। मतलब? सुमन, सुमन बेटा बोलो ना, क्या बात है? तुम्हारा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ, वो डॉक्टर अपनी गवाही से मुकर गया है। क्या मतलब वो आया ही नहीं? वो पुलिस स्टेशन आया था, लेकिन उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया गया है और प्रेशर में आकर उसने अपनी स्टेटमेंट बदल दी है और सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। और उसकी बात सुनकर पुलिस ने तुम्हारी बेल भी रिजेक्ट कर दी है। वो किसी भी वक्त यहाँ तुम्हें अरेस्ट करने आ सकते हैं। मतलब मैं नहीं बच पाऊंगी, मैं अरेस्ट हो जाऊंगी भैया? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, खाना जी पे विश्वास रखो। मुझे क्या हो रहा है? मदद कर। अरे दीदी, और करो इस धोखेबाज पे भरोसा। सही किया, और एक थप्पड़ लगाना चाहिए था। ये लड़की तो भरोसे के लायक ही नहीं है। अच्छा खासा हम नंदनी को कल रात को घर से बाहर भगा रहे थे, अभी तो जाके वो जहाज में बैठ के अमेरिका पहुंच भी गई होती। और ये देखो, मदद करने की आड़ में भाभी अपनी ननद को जेल पहुंचा के ही छोड़ेगी। बस अब कोई कुछ नहीं करेगा, तुम भी नहीं सुना। अब नंदनी के लिए जो भी करना है मैं करूंगा, और खबरदार अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की तो। नंदनी, और ये नंदनी सुनो तो। अरे सुनो नंदनी। बात तो सुनो, क्या कर रही हो? ऐसे कौन करता है? भैंस की आइज, इसे कहते हैं जेट एंड नेट, समझे? हम जानते हैं माया, तुमने ही डॉक्टर आशुतोष को सच्ची गवाही देने से मना किया था, है ना? जय बात। यही तुम्हारी बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि हम जो सोचते हैं वो तुम झट से समझ लेते हो। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? नंदनी के चेहरे का मास्क क्यों लगाया हुआ है? उतारो इसे।
तुम्हारे चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे कि तुम समझ गई हो कि हम तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी ननन नंदिनी के साथ क्या करने वाले हैं। हाँ, अरे हम उसको बनाने वाले हैं नंबर वन तवायब बिहार की, और ऐसी तवायब कि जिसकी अदाओं पे हर एक बंदे का दिल आह करने लग जाए और उसकी अदाओं पर सब मरने लग जाए और कहे वाह 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 माया। बस एक ही थप्पड़। अरे नहीं, चार पांच मार ले और निकाल ले अपनी भड़ास, लेकिन तू कुछ भी कर ले उससे कुछ नहीं होने वाला सुमनिया। हाँ, क्या कहा था तुमने कि चली जाओ हम सबको छोड़ के अपनी दुनिया में चली जाओ। हाँ? और हाँ, इसे भी हमारे हाथ में दिया था ना, तो ठीक है हम चले जाएंगे हमारी दुनिया में, लौट जाएंगे और ये घुंघरू पहन के भी जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारी दोस्त और ननंद नंदिनी के साथ। और तुम जानती हो हमारे वहां जाने का रास्ता कौन बनाएगा? नंदिनी का भाई, तुम्हारा पति अंशुमन झा, समझे? देखिए, आपको जो करना है कीजिए, जमीन आसमान एक कर दीजिए, लेकिन किसी भी हाल में मेरी बहन को सेफली इस देश से बाहर निकालिए। ये लीजिए। ये पेपर आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के काम आएगा। थैंक यू। अंशुमन जी, हमने आपसे पहले भी कहा, फिर एक बार कह रहे हैं, हम आपको कोई गलत कदम नहीं उठाने देंगे। नंदिनी को बॉर्डर क्रॉस करवाना ये तो क्राइम है। और मैं भी पहले कह चुका हूँ और अब आखिरी दफा कह रहा हूँ, केस मैटर के बीच में और कोई नहीं आएगा। नंदिनी को अमेरिका सेफली वापस कैसे भेजना है ये मैं और सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, दैट्स इट। हम चले जाएंगे हमारी दुनिया में, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारी दोस्त नंदिनी के साथ। और तुम जानती हो हमारे वहां जाने का रास्ता कौन बनाएगा? अंशुमन झा। अंशुमन जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप डेस्परेशन में गलत रास्ता चुन रहे हैं। ऐसे में तो आपकी जान और नंदिनी की जान दोनों खतरे में। हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप और नंदिनी दोनों खतरे में पड़ जाएं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, समझ रहे ना आप? और तुमने जो किया था वो तो सही था ना, देख लिया ना उसका नतीजा। अब जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, बीच में मत आओ प्लीज। पर अंशुमन जी, आप हमारी बात। चुप करो सुमन। अंशुमन जो भी कर रहा है सही कर रहा है। नंदिनी इस समय झूठे केस में फंसी हुई है और हम सब जानते हैं अंशुमन जो भी कर रहा है उसे निकालने के लिए कर रहा है, इसलिए तुम बीच में कुछ मत बोलो। हम सब अंशुमन के साथ हैं। मैं नंदिनी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, मैं उसे इन पुलिस के पचड़ों में पड़ने नहीं दूंगा। कुछ नहीं किया उसने। नंदिनी अपने घर सही सलामत वापस जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह गलत रास्ता चुनेंगे तो आपको भी तो जेल हो सकती है, उसका क्या? वो चलेगा आपको? जेल जाना पड़े या सूली चढ़नी पड़े, नंदिनी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। वाह 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 वाह, भाई हो तो ऐसा,
अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। वाह बाबू वाह, हम तो मान गए आज तुमको। और हम तो कहते कि हम सबको ना अंशुमन को ही सपोर्ट करना चाहिए, ताकि कुछ लोग जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं ना, वो धो ना सके। हाँ चुप करो, तुम अपनी बकवास बंद रखो, समझी? और आप लोग हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? माया बस हम सबको अपने माया जाल में फंसा रही है। प्लीज ये बात आप लोगों को अभी रियलाइज नहीं हो रही है, पर हम सच कह रहे हैं, हमारी बात पर यकीन कीजिए। चुप करो सुमन। दादी पे बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। भाई मुझे आप पर पूरा भरोसा है, जब तक आप हो मुझे घर वापस जाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच भाई। कहा था ना हमने चाल हम चलेंगे, और मोहरा बनेगा तुम्हारा पति। अब बताओ कैसे रोकोगी इस उड़ती पतंग को कटने से? हाँ बताओ। हे माता रानी, हमें शक्ति दीजिए कि हम माया को उसके घिनौने इरादों में कामयाब ना होने दें।